नमस्ते। बिहार विधानसभा चुनाव कवर करने निकली हमारी टीम फिलहाल बेगूसराय ज़िले में है। हमने चेरिया बरियारपुर विधानसभा क्षेत्र कवर किया। वहाँ लोगों ने बताया कि एक बार नदी पार कीजिए और फिर आकर हमारे यहाँ देखिए कि कैसे हम रोज़ के जीवन में इधर से इस पार से उस पार आने जाने के लिए किस तरीके की दिक्कतें उठाते हैं एक पुल के अभाव में। ये मेरे पीछे बूढ़ी गंडक बह रही है और जिस जगह पर हम खड़े हैं ये बरियारपुर घाट है। हम नाव पर चढ़कर जा रहे हैं चेरिया घाट, वो पड़ता है बछवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में। और आप देख रहे हैं मेरे पीछे कि कैसे बाइक साइकिल बाकी सारी चीज़ें यही हैं इनका ज़रिया, क्योंकि पुल नहीं है। पुल को यहाँ बनना था, सब कुछ हो चुका था, सॉइल टेस्टिंग वगैरह सब कुछ हो चुकी थी, लेकिन फिर एंड टाइम में पुल की जगह को लोकेशन को चेंज कर दिया गया। लोग इल्ज़ाम लगाते हैं कि इसके पीछे जो चेरिया बरियारपुर से विधायक हैं मंजू वर्मा, उनका हाथ है। लोगों का आरोप है कि वहाँ जहाँ अमरपुर में वो पुल बनाया गया, शिफ्ट किया गया नई लोकेशन पर, वो इसलिए क्योंकि वहाँ से उनका मायका और ससुराल कनेक्ट होता है। हमें नहीं पता, ये आरोप लोगों ने लगाए। हमारे पास इसकी सत्यता सिद्ध करने का कोई ज़रिया नहीं है, लेकिन हम अब जा रहे हैं नाव पर चढ़कर, जैसे लोग दैनंदिनी जीवन में पार करते हैं। थोड़ा बिल्कुल संभल कर आइएगा और कुछ पकड़ लीजिएगा अमितेश जी। अमितेश ठीक से कुछ पकड़ लो कुछ एक हाथ से, ये हिलता है। तुम किनारे हो, इधर आ जाओ, आ जाइए आप, इधर आ जाइए, इधर आकर बैठ जाइए। कोई दिक्कत नहीं है, बातचीत भी करते चले। ठीक ठीक अमितेश, मुझे डर लग रहा है तुम्हारे लिए। नहीं मैडम कोई बात नहीं, अमितेश मुझे यकीन दिला रहा है कि वो ठीक है, पर उसके हाथ में कैमरा है और वो किसी चीज़ से उसने सहारा नहीं ले रखा। तो ऐसे ही जाते हैं, ऐसे ही कोई मरीज वरीज होता है तो बस इधर है बस नहीं, कोई पीएससी नहीं, ब्लॉक लेवल का अस्पताल कुछ नहीं मैडम। पीएससी यहाँ से बोले ना कि सुदूर देहात मेरा पड़ता है गाँव, वहाँ चिड़िया, वहाँ से भगवानपुर प्रखंड पड़ता है। ऐसा सड़क का व्यवस्था है कि वहाँ से हम लोग बेटर बरियारपुर, या यही मेरा एक लास्ट ऑप्शन है बरियारपुर, यही मेरा एक। बरियारपुर में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, है ना, आपके इधर नहीं है? नहीं, अच्छा, सिर्फ भगवानपुर प्रखंड में ही मेरा है। उसकी स्थिति हमने सुनी, वो तो खुद ही बदहाल स्थिति। जी 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 जी। आप लोग बछवाड़ा में पढ़ते हैं? जी। अच्छा, आप लोगों के गाँव ने, आपने बताया कि आप लोगों ने, कौन सा गाँव है? भगवानपुर। जी, भगवानपुर प्रखंड हुआ, चेरिया गांव। चेरिया गांव, आप लोगों ने वोट का बहिष्कार किया है इस बार? जी। क्या कहा है? वोट पुल नहीं तो वोट नहीं, पुल नहीं तो वोट नहीं, ये पूरे गांव का फैसला है। जी बिल्कुल, फैसला है। क्या वजह है इस बहिष्कार की? इसे बस बोले मेरा जुनून जो जरूरी है उसको हमको पूरा कर दे कोई भी आदमी, उसको हम करेंगे, जो भी पार्टी हो उससे कोई मतलब नहीं है। हमको पुल चाहिए जो जरूरी का चीज है। आज तक जो भी कुछ दिए, आज तक कोई सिर्फ ठग के ही रख दे और कोई कुछ नहीं दिया। लेकिन जब बाढ़ की स्थिति होती होगी, बाढ़ तो इस इलाके में आम है ना, बाढ़ का ही बेल्ट है। आप देख सकते हो, आप पीछे देखिए, जहाँ तक आप देख रहे हैं मिट्टी का टीला, ऊपर जहाँ तक कटान दिख रही है वहाँ तक पानी रहता है। ठीक है, ऊपर तक, जहाँ से आपका नाव खुला है, यहाँ से जाने के बाद फिर नाव वहाँ जाता है मैडम। ठीक ना, अच्छा, उसके बाद मिनिमम 45 मिनट से एक घंटा एक बार अप एंड डाउन में लगता है। एक जब बाढ़ का वक्त होता है। जी, 45 मिनट से एक घंटा इधर से उधर आने जाने में। जी जी, सिर्फ जाने में। जी, क्यों? पानी बहुत ज्यादा होता है, बाढ़ होती है इसलिए नाव चल नहीं सकता है मैडम। अच्छा, बहुत तेज धार होती है। तेज धार होने के कारण कम से कम तीन आदमी चाहिए मिनिमम मैडम। एक देख रहे हैं आप वहाँ, एक वहाँ दो, तीसरा वहाँ, तीन आदमी होते हैं तब नाव जाते हैं, उस स्थिति में जाते हैं। उसके बाद भी डर का माहौल रहता है, क्या होगा नहीं होगा कहना मुश्किल है मैडम। यहाँ से थोड़ी दूर खगड़िया में एक बार नाव पलटी थी ना, बड़ी बड़ा हादसा हुआ था। जी, फुलतोरा घाट में। जी जी जी, जब उस हादसा हुआ, पहले बहुत टाइम से लोग पुल की मांग कर रहे थे, नहीं हुआ, मांग पूरी नहीं हुई, तो लोग नाव से ही आते जाते। तो शायद इन्हीं दिन में का वक्त था, दुर्गा पूजा का समय था जब वो हादसा हुआ था, 110 के करीब लोग मारे गए। जी 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 जी, उसके बाद वहाँ नाव बनी जाकर। जी जी, हम लोग कहिए कि मैडम एक आध दो हादसा यार हो भी जाता है, लेकिन भगवान कहिए, देव का कृपा है कि आज तक हमारे गांव में ऐसा ओकेजनली घटना। लेकिन जो स्थिति से हम लोग गुजरते हैं, क्या जरूरी है कि आपने वहाँ भी अभी सर्वे किया, धर्मपुर चौक पे जहाँ बरियारपुर चौक पे खड़े थे, 90+ आदमी आपको ये कहा होगा कि नहीं बरियारपुर पुल बनना चाहिए। बरियारपुर उन लोगों का हुआ, चिड़िया हम लोगों का हुआ,
चिड़िया बरियारपुर पहले एक दूसरे से पूरक जुड़े हुए थे, पारिसीमेन के बाद हम लोग अलग हो गए। दो अनिल चौधरी वर्तमान विधायक थे, जिनका पुत्र पुत्र वधु अभी राखी देवी वर्तमान विधायक लड़ रही है, उन्होंने प्रयास किया और सब कुछ लगभग पास हो गया था। उसके बाद वो जब किसी कारणवश लसक गया, उसके बाद फिर मंजू वर्मा कास्ट फीलिंग लेके आज तक हम लोगों को निचोड़ते रहे। उसके बाद एक कास्ट फीलिंग, क्यों वो कुशवाहा हैं आप लोग, भूमिहार हैं जी, बस यही डू टू यू। उसके बाद एक उम्मीद का किरण हम लोगों का जगह एमपी से, संसद का चुनाव है, माननीय गिरिराज महोदय वो भी हमारी जाति से बिलोंग करते हैं, उन लोगों से हम लोग को उम्मीद का किरण हुआ कि चलिए भाई कम से कम कुछ को। ऐसे ही नदी पार करके आए थे जी? नहीं, वो बड़े वाले रास्ते से बेगूसराय से घूम, बेगूसराय से बाघा बाईपास पुल जब क्रॉस करते हैं ना, वहीं से बाईपास होते हुए हम लोगों को आने का फोर व्हीलर का रास्ता है, वही एक विकल्प है। आश्वासन दिए, क्या कह रहे हैं, इनका गमछा जो है पगड़ी यहीं पे छोड़ दे, उन्होंने वादे के तौर पर वहाँ छोड़ दिया था कि जीतेंगे तो पुल बनाएंगे। हाँ सही बात है, गमछा यूज हो रहा है, महावीर थान में रखे हैं, जो आदमी कोई भी अभ्यासी आते हैं उनको यूज करने के लिए देते हैं। पहुंच गए, यही ये सफर बता रहे थे। अब हम पहले बरियारपुर घाट से चले थे, हम चेड़िया घाट पर पहुंच गए, यहाँ तो ठीक से घाट भी नहीं बना, अभी बहुत दिक्कत है, अभी रोज कटता। ये तो अच्छा, रोज कटान चल रहा है जी, एक बॉस खड़ा पानी है, हाथ उठाने के लायक नहीं है। अच्छा, इसमें छठ भी होगा जी? अच्छा, ये तो गहरा पानी आप कह रहे हैं, रोज कटान हो रही है, फिर कैसे होगा? देखिए देखिए बॉस, देखिए कितना डीप है, यहाँ देखिए, ठीक है, पूरा लगा चला ना गया, देखिए हाथ यहाँ पर पानी, एक बांस पानी है, देखिए कितना पानी है। ये दिक्कत यहाँ पे जैसे आप बता रहे हैं, और ऐसे खगड़िया में भी है, कई सारी जगहों पे लोग बोल रहे थे पुल पुलिया, पुल नहीं बना, पुलिया नहीं बनी, लोग कई बार शिकायत करते हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जो नदी के इस पार बसे गांव होते हैं, वो कई बार शिकायत करते हैं कि हमको पुल चाहिए, पुलिया चाहिए। ये यहाँ पे भी मुद्दा है, खगड़िया में भी कई लोग कह रहे थे। नाव लग रही है किनारे पर, चालू से कार्यक्रम। अच्छा मैडम, एक चीज बताइए, जरूरी है कि नहीं? बिल्कुल जरूरी है। आपको रोजाना नदी ऐसे पार करनी पड़े, पार करके जानी पड़े। मैडम इधर सही है, जब बाढ़ का वक्त है, आप बता रहे हैं 45 मिनट से एक घंटा लग जाता है, किसी इमरजेंसी की स्थिति में कनेक्टिविटी तो है ही नहीं। कितना लगता है पैसा? 5 रुपया लगता है। 5 रुपया? हाँ, एक बार का। हाँ, एक बाढ़ के दिन में बढ़ जाता है कि यही रहता है? यही 5 रुपया। 5 रुपया साइकिल का, 5 रुपया गाड़ी का, मतलब आदमी का 10 रुपया। ये जी जी पुस्तकालय पर जा रहे हैं हम। देखिए इधर जो है ना जी, ये पूरा पानी में डूबा हुआ रहता है, ये पूरा खेत आप लोगों का। हाँ, अच्छा, ये देखिए यहाँ ये पानी के कारण हुआ, इस पे पानी चल रहा था, इस सड़क पे भी बाढ़ में पानी था, दिखाते हैं वहाँ भी पानी लगा हुआ मेरे ग्राउंड में। अच्छा, जगह 3 महीना से बंद है ग्राउंड। अच्छा, तो वहाँ भी देखिए पानी में डूबा हुआ, सब पेड़ सूख गया है। तो एक फसल हर साल खराब होती है, एक फसल हर साल खराब होती है। उधर देखिए, हाँ जी, देखिए ये पानी जो है जी, ये पानी यहाँ वो पोल पूरा डूबा हुआ था, ये पूरा पोल डूबा था, वो मेरे ग्राउंड का जो वॉलीबॉल का पोल है। अच्छा अच्छा, वॉलीबॉल डूबा हुआ था। अच्छा अच्छा, उसके एक भित्ता ऊपर से पानी चल रहा था, हम लोग इसमें नहा रहे थे काफी। तो हर साल एक फसल खराब होती है, ऐसा हमेशा होता है, और यही स्थिति है यहाँ की। अब हम लोग चल रहे हैं पुस्तकालय पर, वहीं पे शूट कर लीजिए, वहाँ बहुत लोग हैं, पोस्टर लगा हुआ है। अच्छा, और उनका गिरिराज बाबा का गमछा हम लोग। कौन है आपके यहाँ से प्रत्याशी? अभी तो प्रत्याशी अवधेश राय हैं CPI से जी, गरीब दास हैं एक निर्दलीय उम्मीदवार जी, पूर्व मंत्री सह विधायक के पुत्र हैं जी, जो कि अब स्वर्गीय हो गए हैं जी, इसी बार वर्तमान में रह के स्वर्गीय हो गए हैं। अच्छा, रामदेव राय। अच्छा, और क्या कहते हैं, एक हैं वो बेगूसराय से थे सब दिन, पूरे शाम समय। हाँ।
और अभी है सुरेंद्र मेहता। अच्छा, वो इस बार उनको टिकट यहाँ से पार्टी दिया है कि आप इस क्षेत्र में आइए और यहाँ पे अपना दिखाइए जलवा। लेकिन उनको हमको नहीं लगता बॉर्डर कुछ मिलने वाला। आपके इधर का विधायक क्यों नहीं बनवा देता पुल अगर उधर का विधायक नहीं बनवा रहा? दो विधानसभा के बीच में है इसीलिए पिस रहा है, सिर्फ पिस रहा है। यहाँ पुस्तकालय में ये पहले से मीटिंग चल रही थी, आज है। देखिए वहाँ बोर्ड लगा हुआ, वो बोर्ड का लीजिए। बेरिया चेरिया की अब यही पुकार, पुल नहीं तो वोट बहिष्कार। पुल नहीं बनने के कारण हम समस्त चेरिया ग्रामवासी आगामी विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करते हैं। डबल चेहरे हर नेताओं के हैं इस देश में, चल रहे हैं सिर्फ जनता को नेताओं के वेश में। हमें खुद को बदलना होगा, हमारे बदलाव से ही सब कुछ संभव हो सकता है। निवेदक समस्त चेरिया ग्रामवासी, साथ में पोस्टर पर वो एक तस्वीर नाव से क्रॉस होने वाली, एक तरफ की जो स्थिति है और दूसरी तरफ वो पुल जिसकी ये डिमांड कर रहे हैं। तो हम पहुंच चुके हैं गांव के, चेरिया गांव के नवयुवक पुस्तकालय, जहां पहले से एक मीटिंग चल रही थी हमारे पहुंचने से पहले। ये मीटिंग पहले से प्रस्तावित थी? हाँ, पहले से तय था कि आज कितने बजे मिलके बैठेंगे? हाँ, जी, हाँ, अच्छा अच्छा। क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या तय हो रहा है यहाँ पर? ये है जो हम लोगों को कितना दिन से हमारे बुजुर्ग और जितने भी आए इस गांव की माने पुल की व्यवस्था है। मान लीजिए पढ़ने के लिए हमारे गांव के बहन बेटी जो भी हैं खंजापुर हाई स्कूल चेरिया बरियारपुर नाव से है, और चेरिया बरियारपुर विधानसभा अलग है और बछवाड़ा विधानसभा में चेरिया है। चेरिया बरियारपुर विधानसभा का सर का ताज चेरिया है, जो कि बगल में ब्लॉक है। चेरिया बरियारपुर ब्लॉक है, मंझौल अनुमंडल है, और रूट के लिए बखरी से खगड़िया से इधर दलसिंह सराय तक जाने के लिए, हाजीपुर जाने के लिए, पटना जाने के लिए ये रूट है। और ये दोनों विधानसभा की जॉइंट के बीच में पुल के लिए हमारे पूर्वज ही सारे नेता लीडर के सामने हाथ जोड़ा, पटना तक गए, बहुत कुछ, एक नंबर में आया, एक नंबर के बाद फिर नहीं हुआ, फिर दो नंबर में आया, जब दूसरी नंबर में होगा फिर नहीं हुआ। हम लोग उस समय से आजिद हैं। अब बताइए ये बाढ़ के समय में गांव में पानी लगा हुआ है, उधर भगवानपुर जाने के लिए भगवानपुर रोड पर पानी है, ये डिलीवरी केस में माने रास्ते में, हाँ, डिलीवरी महिला को हो जाना, कई गुजर गए, ये सब समस्या लेकर जो भी नेता गुजर गई है, हाँ, रास्ते के लिए अस्पताल जाते हुए गर्भवती महिला, उनको उतना ध्यान नहीं है और उतना समझ नहीं है जो कहाँ जाकर अपना विकल्प प्रचारे, कहाँ प्रचारे। हम लोगों का कोई सुविधा ही नहीं मिला, ना रोड से जोड़ा गया, अभी बिजली का समस्या है। ये नल जल योजना चला निश्चय योजना, हम समझे जब पानी आ जाएगा, टोटी लग गया है, अभी पानी आज दिखावे के लिए चल रहा है, लेकिन पानी बिल्कुल नमकीन है, जहरीला है। टेस्ट किया जाए, देखा जाए, वो स्थिति है। ट्रांसफार्मर है नहीं, वोल्टेज पुरता नहीं है, 10 गो ट्रांसफार्मर लग गया है हमारे पंचायत में, 12 गो, लेकिन अभी तक। तो गांव के बुजुर्ग सब मिलके इकट्ठा हुए हैं, क्या तय हो रहा है आज? ये तो तय हो चुका कि आप लोग वोट का बहिष्कार करेंगे, ये तो आप लोगों ने पहले ही तय कर लिया। तो आज क्या तय कर रहे हैं, आज क्यों मिलके बैठे हैं? हम लोग बैठ के तय किए हैं कि मतलब ये जितने भी व्यक्ति हम सारे आदमी, ये हम लोग की गांव की जो समस्या है और क्या क्या समस्या हमारे साथ है। अगर कल कोई प्रशासनिक विभाग आते हैं, कोई नेतागण आते हैं, तो उनके नज़दीक और जो समस्या हमारे पास है वो समस्या को रखेंगे कि हमारे साथ ये समस्या है, हम वोट का बहिष्कार कर रहे हैं। जब तक ये समस्या हमारी दूर नहीं होती है तब तक हम वोट का बहिष्कार करते रहेंगे। आज हो, इस पंचवर्षीय में हो, अगर इसमें हमारी मांग को पूरी नहीं होती है तो अगले पंचवर्षीय में फिर हम ऐसा करेंगे। निरंतर जब तक ये हमारा मांग पूरा नहीं होगा निरंतर हम बहिष्कार करते रहेंगे। गिरिराज सिंह आए थे आपके यहाँ, लोगों ने बताया सांसद चुने गए, कहाँ है वो चादर? मार्कंडे राय के यहाँ वो कहे थे, जो
ये है गिरिराज सिंह की शॉल। अच्छा, वो यहाँ इसी जगह आए, मंदिर पे आए, क्या कहा था? वोट मांगने आए थे तब? वोट मांगने आए तो बोले उनको हम लोग चादर प्रदान किए थे, तो वो जाने के वक्त ये मंदिर पर छोड़ के गए कि हम चुनाव अगर जीत जाएंगे तो चुनाव जीतने के बाद आप लोगों की पुल की समस्या को हम दूर करेंगे, उसके बाद ये चादर हम ले जाएंगे। अच्छा अच्छा, तो अभी तक तो 3 साल हो चुका है लगभग। 3 साल? 3 साल एमपी चुनाव का हो गया है ना, 2019 और 2019 में हुआ था। वो दर्शन नहीं दिए हैं। आप लोग अपना प्रतिनिधित्व लेकर गए थे उनके पास याद दिलाने? जी, मैं खुद गया था। आप कहाँ गए थे? उनको वहाँ टाउनशिप में, ये कौन हॉल है डॉक्टर साहब? रशियन गेस्ट हाउस बेगूसराय। जी जी। अच्छा, वहाँ वो उस वक्त रुके हुए थे? रुके हुए थे। अच्छा, आप लोगों को मिलने का समय दिया गया? मिलने का समय आए थे तो इतनी भीड़ थी कि हम लोग वहाँ तक जा नहीं पाए, और गए भी कुछ हमारे नहीं, कई बार वहाँ अमर जी हैं, अमर कुमार अमर हैं, थोड़ा आ जाइए। उनका पीए अमर कुमार अमर हैं, कई बार मैंने बोले कि जरा उनसे भेंट कर लीजिए, गिरिराज बाबू अपने बोले कि जरा उनसे भेंट कर लीजिए, तो हम लोग उनसे संपर्क किया, उसके बाद आजकल आज तक यहाँ नहीं आए। 10 बार हम लोग गए उनसे भेंट करने के लिए, भेंट किए, लेकिन उसके बाद भी नहीं आए। उसके बाद हम बतलाते हैं कि ये अंग्रेज के समय में से राजस्व देने वाला यह चेरिया घाट आज तक सबसे पहले प्राथमिकता के आधार पर कहा गया कि जो हम रामपुर पुल बनवाएंगे, रामपुर बन गया, उसके बाद हुआ क्या, जो अब चेरिया में पुल बनेगा। और उस समय मुख्यमंत्री सेतु योजना के तहत मैंने पुलिया का निर्माण हो रहा था, तो उसमें कहा गया कि जिला संचालन समिति से चेरिया को 1 नंबर क्रम संख्या 1 पर रखकर पुल का निर्माण कराने के लिए वहाँ कलेक्टर साहब आदेश दिए। उसके बाद उस समय गौतम सिंह प्रभारी मंत्री बेगूसराय के थे, उन्होंने अपने ससुराल में जाकर पुल का निर्माण करवा लिया और चेरिया का। ये ससुराल का क्या चक्कर है? आप कह रहे गौतम सिंह थे, उन्होंने अपने ससुराल में बनवा लिया। ये शिकायत मंजू वर्मा के बारे में भी कह रहे थे कि उन्होंने अमरपुर में अपने ससुराल मायके में जाके बनवा लिया। पर भी देखिए, विधायक हैं, अगर चंद्रमा पर घर, सुनिए, विधायक एमपी जितने भी लोग हैं, अगर चंद्रमा पर घर बनाना चाहेंगे तो बना लेंगे। तो यहाँ जिला संचालन समिति का आदेश मैंने केवल कागज में ही रह गया, और उसके बाद गौतम बाबू अपने ससुराल में पुल बनवा लिए और चेरिया का क्रम खत्म हो गया। अगल बगल के कितने गांव हैं जो बूढ़ी गंडक जिनके बीच में पड़ती है, और वो इस तरफ और उस तरफ बसे हैं, इस तरह की ऐसे कितने गांव? चेरिया, बरियारपुर और बछवाड़ा विधानसभा को जोड़ने वाला केवल यह पुल बनता चेरिया घाट पुल, तो ये दोनों विधानसभा जुट जाते। वो जो योजना प्रस्तावित हुई, आपने कहा मुख्यमंत्री पुल पुलिया कार्यक्रम, उसके अंतर्गत कितनी कितनी दूरी पर, जैसे होता है ना कि 5 किलोमीटर की दूरी या ऐसी कोई दूरी निश्चित हुई थी क्या? दूरी थी 5 किलोमीटर, जैसे रामपुर घाट के बाद चेरिया घाट का पुल बनना था, 5 किलोमीटर की दूरी पर बनना था, और यहाँ नहीं बना, 8 किलोमीटर और यह 8 किलोमीटर है। इसके बीच विधायक मंजू वर्मा हुए और उन्होंने विक्रमपुर में पुल बनवाया और चिरिया को समाप्त करवा। जबकि उसमें एक और बात थी कि जब तक अप्रोच और इसका और जब तक अप्रोच रोड ना हो तब तक वहां पुल का निर्माण नहीं होगा, लेकिन वहां पर नियमों को ताक पर रखकर किया गया। आप जाकर देख सकते हैं वहां कोई अप्रोच रोड नहीं है, जबकि यहाँ पर आप देखिए कि अप्रोच रोड स्पष्ट बना हुआ है। तीसरी बात, यह अप्रोच रोड यानी घाट तक जाने का रास्ता। जी जी जी। एक और बात वहां पर थी कि कम से कम रुपये जहां लगे वहां पुल का निर्माण होना चाहिए, उस लिहाज से भी यह नंबर 1 होता। यहां कम पैसा क्यों लगता? क्योंकि अप्रोच रोड ऑलरेडी बना हुआ था, यहां दूरी कम थी, और वहां विक्रमपुर घाट की बात करें तो वहां दूरी अधिक है और पैसे भी वहां अधिक लग रहे हैं। इस परिप्रेक्ष्य में भी देखा जाए तो वहां राजनीतिकरण हुआ है। जिला संचालन समिति का क्रम संख्या 1 में आने वाला चेरिया घाट पुल, जिसका मैं अच्छा वित्तीय वर्ष 2010-2011 में, अच्छा, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के प्रतिनिधि द्वारा जानकारी दी गई कि वित्तीय वर्ष 2010-11 में इस मद में 300
लाख रुपए ही प्राप्त हुए हैं। समिति द्वारा सरकार से आवंटन की प्रत्याशा में निम्नांकित बड़े पुलों को 25 लाख से ऊपर के जो बन रहे हैं, वित्तीय वर्ष 2010-11 में कार्यान्वयन हेतु प्राथमिकता के क्रम में अनुमोदित किया गया, मतलब प्राथमिकता तय हुई है और उस प्राथमिकता लिस्ट में पहले नंबर पर है चेरिया घाट के समीप बूढ़ी गंडक नदी पर पुल। अच्छा, बिसहुआ में बन गया जिसका दूसरा नंबर था, बिसहुआ में बन गया, गुदार घाट पुल बन गया तीसरा, लेकिन अच्छा गुदार बन गया। दिखाते हैं इसमें, देख लीजिए, ये प्रधान क्या है, प्रभारी मंत्री सह अध्यक्ष गौतम सिंह जी जी। इसके बाद हम बतलाते हैं, देखिए पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र भी अनुशंसा किए हुए हैं, वो तब से ही चल रहा है ये, देखिए दिखाते हैं उनका भी लेटर दिखाते हैं, आश्वासन दे रहे हैं अब बनेगा अब बनेगा अब बनेगा। देखिए पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर जगन्नाथ सिंह का दो का है ये, श्री रघुवंश पासवान, ग्राम पोस्ट चेरिया थाना भगवानपुर, जो द्वारा प्रेषित आवेदन जो कि चेरिया घाट के समीप बूढ़ी गंडक नदी पर पुल निर्माण से संबंधित है, समुचित कार्यवाही के लिए मूल प्रति अग्रसारित कर रहा हूं, जगन्नाथ मिश्रा 8/9/2010। इसके बाद हम दे रहे हैं रजनीश जी विधान पार्षद। अच्छा मतलब ठीक है, अब ये तो एक और ले लीजिए ना, जी 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 मैं समझ गई बिल्कुल, आप ये जो संवाद था जो आपका वो था जो आप कहना चाह रहे हैं वो प्रेषित हो चुका है, समझ आ चुका है कि काफी स्तर पर आप लोगों ने वो दिया, कई बार आपको आश्वासन मिले, जी 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 मैं जी 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 मैं समझ गई मैं समझ गई उसके बाद जी 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 मैं समझ गई डॉक्टर भीम सिंह के द्वारा संकल्प वापस लिया गया। सभापति महोदय, मैं समझता हूँ कि सदन में जो जवाब आ रहा है, अच्छा हाँ पुल पुलिया वगैरह के ऊपर काम काज है, मैं समझ गई कि आप लोगों ने कई स्तर पर अपनी मांग रखी, लंबे समय से आप लोग कोशिश कर रहे हैं, कई बार आश्वासन मिला, चीज़ें शुरू भी हुई ऐसा लग रहा था लेकिन अभी तक बन नहीं पाया है। थोड़ी सी तस्वीर ये आपके आपने इस वाली बात को हम समझ गए, जो शिकायत है बस बाहर के लोग जो इसको देख रहे हैं उनके आगे अगर आप थोड़ी तस्वीर खींच सकें कि किस किस तरीके की परेशानी है आपकी ज़िंदगी में इस पुल के ना होने की वजह से, किस किस तरह की परेशानी है। आपने कहा गर्भवती महिलाएं, वो एक जनाब कह रहे थे कि जो स्कूल जाता है बच्चा उस बार इधर हमारे गांव में कोई स्कूल नहीं है, हाई स्कूल नहीं है, लड़की के लिए स्कूल नहीं है, नहीं कॉलेज है, नहीं अस्पताल है, नहीं बच्चे लोगों को पूछिए, अगर बच्चा लोग जाता है उस पार स्कूल तो अगर लेट हो जाता है, 2 घंटा 9 में लगता है, लेट हो जाता है तो वहाँ से टीचर लोग समय पर नहीं आने के कारण बच्चे को रिटर्न कर देते हैं। हाँ। एक महीना में मात्र 10 दिन ही बच्चा पढ़ा सकता है। एक महीने में 10 दिन बच्चे स्कूल जा पाता है, नहीं पढ़ता, और यही शासन है नीतीश की, वो लेट हो जाता है स्कूल में, 2 घंटा लगता है नाव पार करने में 2 घंटा लगता है, इसीलिए मेरा बच्चा वहाँ से पढ़ाई से सफर कर रहा है। 2 घंटे आप क्या वो वक्त जोड़ कर वेटिंग टाइम जी जी हर समय तो नहीं जाते रहते, तो मास्टर साहब उसको भगा देते हैं, मारते हैं। मान लीजिए हम लोगों का अस्पताल उस पार है, कोई गर्भवती महिला है, कोई एक्सीडेंटल पेशेंट है, किसी को सांप काट लिया, जब तक मैं हम उस पार जाएंगे मर जाएगा। ऐसा कुछ हुआ, ऐसे मामले हुए हैं क्या यहाँ पर इस तरह की इसको जाने में जाना छोड़ दिया। क्या नाम है आपका? प्रदीप कुमार। कौन सी क्लास में है आप? 12th में है। 12th में कहाँ पढ़ते थे? ये MS कॉलेज में पढ़ते हैं। पढ़ते हैं अभी? अच्छा, तो नाव से ही पार करके जाते हैं। पार करते हैं। हर समय नाव चलती रहती है क्या? हर समय पहले चलती है, कार्तिक महीने में चलती है, जिसमें मतलब कम पानी रहता है चलती है। ये पिछले एक महीने में मतलब 1-1.5 महीना पूरा नाव बंद रहा। ठीक है मैडम, इस बांध उस बांध पानी था, ठीक है, और उसमें मतलब हम लोग नहीं जा पाए। इस दौरान अगर एग्जाम भी है तो यहाँ से 7-8 किलोमीटर सिवरी है, वो टप के हमको जाना होता है एग्जाम देने के लिए। ठीक है, और मतलब कितना टाइम लगता है जाने में वो आप खुद अभी आए होंगे इधर से, आपको मतलब समझ में। मैं तो ऐसे वक्त में आई हूँ जब पानी उतरा हुआ है ना,
आप तब की बात कर रहे हैं उन दिक्कतों की, वो 3-4 महीने जब पानी भरा रहता है, जब से बारिश मई के आखिर से मेरे ख्याल से पानी की जो वो है उसमें लेवल है वो ऊपर उठता है, तो मई से सितंबर तक, अगस्त सितंबर तक आप लोगों के साथ यही दिक्कत आती है हर साल। अच्छा, लड़कियों की तो पढ़ाई छूट जाती होगी। हमारे गांव में नहीं कॉलेज है, नहीं बच्ची लोगों के लिए पढ़ाई के लिए गर्ल्स स्कूल है, कहीं कुछ नहीं है। यहाँ तक कि मेरा गांव यहाँ तक पिछड़ा हुआ कि आज से 4 साल पहले 2 ट्रांसफार्मर जल गया, लेकिन स्कूटी भी इंजीनियर मंत्री को कहते कहते रह गए, अब आज तक ट्रांसफार्मर नहीं लगा। यही सुशासन की परिभाषा है। 4 साल से जला हुआ ट्रांसफार्मर, 4 साल अब तक ठीक नहीं हुआ, नहीं अभी तक नहीं मिला है। मुझे इस मीटिंग में आप जो बुजुर्ग लोग हैं गांव के, आप उसके अलावा जो उनसे थोड़ी वो पीढ़ी के हैं वो, उसके साथ नौजवान और बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं, तो नौजवानों का भी पार्टिसिपेशन है, जो नए नए वोटर बने हैं वो भी आपके साथ शामिल है इस बायकॉट में? गांव शामिल है, पुल नहीं तो वोट नहीं, पुल नहीं तो वोट नहीं, पूरे गांव शामिल है, एक एक बच्चा शामिल है कि पुल नहीं वोट नहीं। क्या करते हैं आप लोगों की रोजी रोटी मुख्यतः किस चीज की है? खेती, बस चलिए देखिए डूबा हुआ है खेत में, अभी तो हम सब खेती भी नहीं कर पाते क्योंकि खेती भी खत्म। अभी अब आप अगर जाएंगे उधर तो उधर पूरे पानी है, जिसका भी धान था सब खत्म हो गया, अब कुछ नहीं है खेती। अगर ये पुल बनता है यहाँ का 1700 युवा को रोजगार मिलेगा। इस पुल के कारण कितना बेरोजगार युवा यहाँ बैठा हुआ है, और छोटा सा हॉस्पिटल इस गांव में नहीं है। अगर लेडीज को अगर 12 बजे रात को कुछ होता है तो हमको 25 किलोमीटर दूर जाना होता है। 99% लेडीज हो या मर्द हो जो बीमार होते हैं वो 99% आधे रास्ते में दम तोड़ते हैं। ऐसा हुआ है क्या? ऐसा होता है। मुझे एक दो कुछ ऐसे मिसालें बता पाएंगे? बहुत सारे रिसेंटली एक नीतीश जी के अभी जो श्राद्ध कर्म चल रही है ये बुखार में, मैंने हॉस्पिटल नहीं जा पाई, जाते जाते दम तोड़ दिए। 4 दिन की बात है, एक लेडीज को बुखार था, वो बुखार इतना तेज था रास्ते में जाते जाते वो दम तोड़ दिए। अगर ये पुल होता तो मेरे लिए वो लगता है 15 मिनट का रास्ता था वो हॉस्पिटल, एटलीस्ट बरियारपुर जाए, वहाँ अच्छा डॉक्टर का सुविधा है, वहाँ कुछ प्राइवेट डॉक्टर की बात करें, सरकारी बरियारपुर सरकारी भी है प्राइवेट भी है, और यहाँ कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। अगर एक दवा भी लेना होगा हमको सर दर्द का, उसके लिए हमको उस पार जाना होगा, जिसके लिए हमको 4 घंटा स्पेंड करना होगा वो वाहन पे। इसी कारण हम सब सोचे इस बार, हर बार आते हैं नेता जितने भी हैं पोस्ट और सब वादे करते हैं हम पुल देंगे और वोट लेके जाते हैं, कुछ भी नहीं देते। उस बार भी गिरिराज सिंह आए, इतना मतलब प्रॉमिस किए सबसे, जो जब तक मैं पुल नहीं दूंगा तब तक ये टावल सॉल नहीं लेके जाऊंगा। हम सबको लगा जो हाँ वोट देंगे तो कुछ होगा, तो हम सब मिलके उनको ही वोट दिए, फिर कुछ नहीं दिखा। इस बार हम सब डिसाइड किए, युवा बच्चा बूढ़ा सब ने डिसाइड किया है इस बार वोट देना ही नहीं है। जब तक हमको पुल नहीं मिलता है तब तक हम वोट नहीं देंगे, चाहे जितना दिन हो जाए, चाहे वो 4 साल हो 4 साल। तो पुल नहीं तो वोट नहीं, हमने दिखाया। अगर आप सोचिए कि अगर आपको हर चीज़ के लिए, एक छोटी से छोटी चीज़ के लिए नदी पार करनी पड़े, नाव का इंतज़ार करना पड़े और उस पार जाना पड़े, कुछ भी खरीदने के लिए, डॉक्टर के पास जाने के लिए, कहीं पे भी, तो एक पुलिया कितनी बड़ी आस, कितनी बड़ी ज़रूरत हो सकती है, होगी इस गांव की, तभी शायद वो बैठे हैं इस तरीके से बहिष्कार के लिए कि पुल नहीं तो वोट नहीं। ये था चेरिया गांव, बछवाड़ा विधानसभा क्षेत्र, ज़िला बेगूसराय। हम बिहार विधानसभा चुनाव की कवरेज के लिए निकले हैं, कोशिश है कि आपको बिहार के अलग अलग चेहरे, यहाँ की जनता की अलग अलग मांग, उनकी ज़रूरतें, उनके सपने आपके आगे लेकर आ सकें। बताइएगा कुछ और भी आपकी सलाह हो तो। हमें देखते रहने के लिए शुक्रिया। मेरा नाम स्वाति और मेरे साथ कैमरे के उस तरफ मेरे साथी अमितेश। गांव के लोग कह रहे थे ना कि हर समय नाव उपलब्ध नहीं होती, अभी हमने तकरीबन आधे घंटे इंतज़ार किया होगा, फिर गांव के लोगों ने स्पेशल फ़ोन किया उधर मल्लाह को और वो आए हैं नाव लेकर, और काफ़ी देर से यहां लोग इंतज़ार कर रहे थे, महिलाएं, औरतें। देखिए उधर
बच्चे शायद दुर्गा पूजा की ख़रीदारी वगैरह करके बाज़ार से लौट रहे हैं, ये मछलियों वाला लेके जा रहे हैं बर्तन। स्वदेश फिल्म थी, उसमें कावेरी मम्मा अम्मा शाहरुख खान जो मोहन भार्गव का किरदार निभा रहे थे उनसे कहती हैं एक आदमी से पैसे लेके आने के लिए, जिसने कावेरी अम्मा के पैसे लिए हुए थे, तो वो कहती हैं ऐसे नहीं मिलेगा। अब तो वो सोचते हैं कि अपनी बड़ी कैरवा में लेके चले जाएंगे, तो कावेरी अम्मा कहती है नहीं, यहाँ से इतना किलोमीटर रेल से जाओगे, फिर बस से जाना है, फिर नाव से नदी पार करनी है। तो ये ऐसा ही है, नाव से नदी पार करनी है, फिर उधर जाना है, फिर आगे बेगूसराय। तो ये है वापसी का सफ़र।